नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। सीएम भूपेश बघेल ने भी चुनावी जनसभा की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी कितना भी दम लगा ले, लेकिन वो चुनाव को नहीं जीत पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लोग उनके साथ हैं। देखिए, कल विधानसभा के सत्र अवसान के बाद हमारे सारे सीनियर मिनिस्टर उनके पास गए और फाइल हाथों हाथ दिए, किसी के माध्यम से भेजे नहीं। तो हम तो इतनी इसकी गंभीरता तक समझ रहे हैं और पूरे जो लोगों की भावना है उनके अनुरूप काम किए। सत्र बुलाए, सत्र आहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, सर्वानुमति से पारित हुआ और उसको राजभवन भेज दिए। अब राजभवन से कब हस्ताक्षर को आ गया वो देखने की बात है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भूपेश का बीजेपी पर वार। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी हमेशा कर रही है महिला विरोधी, कोई महिला सरसंचालक या सर कार्यवाह नहीं बनती। राहुल ने कहा था बीजेपी नहीं बोलती जय सियाराम। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार किया है, साथ ही राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को घेरा है। बीजेपी हमेशा रही है महिला विरोधी, कोई महिला सर संचालक या सर कार्यवाह नहीं बनती। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। वही राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा और साथ ही कहा कि बीजेपी हमेशा रही है महिला विरोधी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरक्षण मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। आरक्षण मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर दो विधेयकों को पास किया है, जिसे बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया है। आरक्षण मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से बात की हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से चर्चा करते हैं। कल राज्य सरकार ने जो है दो विधेयक पेश की है, क्या उसमें आप लोग समर्थन करते हैं? समर्थन करते नहीं, कल समर्थन हमने किया है और सर्वसम्मति से उसको पारित किया है। जब विपक्ष समर्थन करेगा तब तो सर्वसम्मति से पारित होगा। हमारा जो आपत्ति था समय को लेकर के था, प्रक्रिया को लेकर के था कि कल फिर से वो जो आरक्षण बिल के उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह मत उठे, और इसलिए हमने सरकार से कहा था कि पूरी तैयारी से लाए और भानु प्रतापपुर के चुनाव के मतदान के बाद ले आए। हमें क्या आपत्ति थी? हमने तो सुझाया था 8 तारीख को परिणाम आएगा, 9 तारीख को हम बैठने को तैयार हैं सदन में, चर्चा कर लो, व्यापक चर्चा कर लो। कल राज्यपाल से भी उन्होंने, कई मंत्रियों ने मुलाकात करने गए थे, आग्रह किया था कि राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास भेजा जाए, और कई मंत्री भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। वो एक राजनीतिक स्टंट है, किस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे? राज्य को पूरा अधिकार है कानून बनाने का, राज्य की विधानसभा बैठ करके कानून बनाए। आप लोगों ने कई अपने उसको सुधार के लिए भी कुछ रखे हैं, संशोधन रखा था, लेकिन संसाधन को उन्होंने बहुमत के आधार पर अमान्य कर दिया, जो उचित नहीं है संशोधन को अमान्य करना था। तो आप भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी? अब आगे की रणनीति हम बनाएंगे। भानु प्रतापपुर को पहले चुनाव में हमारे सारे लोग जूझे हुए हैं, हम सब लोग बैठ के आगे की रणनीति को तय करेंगे। ठीक, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से हमने आरक्षण मुद्दे को लेकर चर्चा की। जैसा कि उन्होंने बताया कि विधानसभा में अपने जो है संशोधन के लिए रखी थी, लेकिन उसमें राज्य सरकार विचार नहीं की। कल राज्य सरकार के कई मंत्री जो है मुलाकात करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे हुए थे और आग्रह किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास लेकर जो है ये बिल जो पास है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आदिवासी आरक्षण बिल को लेकर सीएम भूपेश का बड़ा बयान। उम्मीद है राज्यपाल बहुत जल्द करेंगे साइन। बिल बेहद अहम, इसलिए मंत्री ने तुरंत सौंपा। सभी वर्ग की मंशा अनुरूप विशेष सत्र बुलाया। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आदिवासी आरक्षण बिल को लेकर सीएम भूपेश का बड़ा बयान, उम्मीद है राज्यपाल बहुत जल्द करेंगे साइन। साथ ही कहा कि बिल बेहद अहम, इसलिए मंत्री ने तुरंत सौंपा बिल। सभी वर्ग की मंशा अनुरूप विशेष सत्र बुलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां आदिवासी आरक्षण बिल को लेकर सीएम भूपेश का बयान सामने आया है। वही दंतेवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएम विनीत नंदनवार के निर्देश पर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत रोजे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवाभियान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी मनीषा ठाकुर ने घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिलाएं और बच्चों के अनैतिक व्यापार की जानकारी दी। सखी वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रभारी संगीता ने सखी के उद्देश्यों और दी जाने वाली आवश्यक सेवाएं और महिला हेल्पलाइन 181 के संबंध में बताया। वहीं इसी के साथ परियोजना अधिकारी नरेश भोई ने महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं एवं पोषण एवं नियमित टीकाकरण के विषय में जानकारी दी। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान, आरक्षण बिल को लेकर बोले नारायण चंदेल, जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला लंबित, सरकार ने बिना होमवर्क किए बिल को किया है पेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। वही सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला लंबित चल रहा है, सरकार ने बिना होमवर्क किए बिल को किया है पेश। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। आरक्षण बिल को लेकर बोले नारायण चंदेल, जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। ये तस्वीरें भी आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण बिल को लेकर नारायण चंदेल बोले हैं, जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर पेश हुए विधेयक का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण के प्रति कांग्रेस की नियत में खोट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए कई प्रमाण मौजूद है। कांग्रेस सरकार पहले से लागू 58% आरक्षण बचा नहीं पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता लगातार आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाते रहे, जिससे कांग्रेस की पूर्व विधायक पद्मा मनहर और वरिष्ठ नेता पीआर खुंटे भी शामिल हैं। विधानसभा से बिल पारित होता है, हमने तो सर्वसम्मति से पारित कराया, हमने इस बिल का सहयोग किया है, इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन अब बिल महामहिम के पास जाता है, सामान्य जो प्रक्रिया है, और तब उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, तब वो अस्तित्व में आता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है। लेकिन मुझे ये जानकारी अभी तो नहीं कि महामहिम ने दस्तखत किया है कि नहीं किया है। वही भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव अंतिम पड़ाव पर है, जिसको लेकर मंत्री और विधायक छत्तीसगढ़ आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा में डटे हैं। तो वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सांसद दीपक वैज और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जिताने की भी अपील की है। वही बीजापुर में पूसनार के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए बीजापुर के जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है।
बचेली से पिकअप में 9 लोग आए थे। आज भैरमगढ़ का बाजार भी था तो सभी बाजार घूमने के लिए गए थे। मजदूर थे सारे, काम करने के लिए भैरमगढ़ आए थे। वो पिकअप पलट गई बाजार के पास ही, तो उसमें से 9 लोग घायल हो गए और 6 लोग की हालत गंभीर है। 6 को रिफर किया गया है और 3 लोग की इलाज यही चल रही भैरमगढ़ में। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल का वार, बीजेपी के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी का बयान मानसिक दिवालियापन, उपचुनाव से आरक्षण बिल का कोई लेना देना नहीं। कल पारित बिल मील के पत्थर के समान, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का रोड मैप है बिल। बीजेपी उपचुनाव में बुरी तरह हार रही, बीजेपी ने आरक्षण बिल को बताया था चुनावी स्टंट। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने वार किया है। बीजेपी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा बीजेपी का बयान मानसिक दिवालियापन, उपचुनाव से आरक्षण बिल का कोई भी लेना देना नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने वार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव से आरक्षण बिल का कोई भी लेना देना नहीं है। कल पारित बिल मील के पत्थर के समान है। वही नगरी क्षेत्र के ग्राम अरसी कन्हार में हाथियों के झुंड ने भारी आतंक मचा दिया है। आपको बता दें कि इस झुंड में लगभग 35 हाथी शामिल हैं, जिन्होंने कल रात को किसानों के लगभग 15 एकड़ के कट चुके धान के फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाथियों के दहशत से वन विभाग के द्वारा कल रात मुख्य मार्ग लगभग 2 से 3 घंटे तक बंद कर दिया गया था। तीस 35 का यहाँ हाथी आ चुका है सर, इसमें 15 एकड़ का फसल बर्बाद हो चुका है। ये प्रशासन से मांग है मेरा कि जितने भी 15 एकड़ का जो नुकसान हुआ है वो पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल दी गई थी सर, वो 4 बजे दी गई थी। वो लोगों को नुकसान नहीं था, मेरा ये मानना था कि ये प्रशासन या शासन फैसले लोग कहते हैं कि लाइट बंद कर दो, आग मत जलाना, फटाखा मत फोड़ना, तो जैसे ये लाइट बुझा है वैसे हाथी मतलब अपना खार में या बस्तियां घुस गए। आते हैं 8 दिन 15 दिन के अंतर्गत आते हैं और गांव के चारों कोना घूमते फिरते रहते हैं। क्या फिर? हाँ, कल शाम के ना ऐसे 4:30 फॉरेस्टर लोग आए थे और 5 बजे के बाद गांव में घुस ही गए थे। लगभग 30-35 हाथी का दल था। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीएसपी सुशांतु बनर्जी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। डीएसपी रायपुर ट्रैफिक पुलिस बनाए गए सुशांतु बनर्जी। रायपुर में 2 डीएसपी ट्रैफिक होंगे पदस्थ। एसएसपी रायपुर ने जारी किया आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां डीएसपी सुशांतु बनर्जी को नई जिम्मेदारी मिली है। डीएसपी रायपुर ट्रैफिक के बनाए गए हैं सुशांतु बनर्जी। रायपुर में अब 2 डीएसपी ट्रैफिक होंगे पदस्थ। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां सुशांतु बनर्जी को नई जिम्मेदारी मिली है और डीएसपी रायपुर ट्रैफिक पुलिस के बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां डीएसपी सुशांतु बनर्जी को नई जिम्मेदारी मिली है। साथ ही डीएसपी रायपुर ट्रैफिक पुलिस के बनाए गए हैं सुशांतु बनर्जी। रायपुर में अब 2 डीएसपी ट्रैफिक पुलिस के होंगे। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां डीएसपी सुशांतु बनर्जी को नई जिम्मेदारी मिली है और साथ ही आपको बता दें कि अब रायपुर में 2 डीएसपी ट्रैफिक पुलिस के होंगे। डीएसपी रायपुर ट्रैफिक पुलिस के बनाए गए हैं सुशांतु बनर्जी। एसएसपी रायपुर ने जारी किए हैं आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिलेगा, जिसके बाद अब राज्य में कुल 76% आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए अपनी आबादी के अनुपात के अनुसार प्रदेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयक पारित किए। दोनों विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन अधिनियम और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित एक संशोधन विधेयक शुक्रवार को विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में शामिल करते हुए कहा कि उनको प्रयास करने का आग्रह किया और साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों को मिले, इसके लिए हमें समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए और संभाग और जिला में पहली बार पिछली सरकार ने केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा और जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा कि नवीं सूची में जोड़ने के लिए एक संकल्प भी पारित हुआ है, तो दो महत्वपूर्ण कार्य और शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी वैसे लागू किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। दिन भर की गहमा गहमी के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाने का बिल पारित हो गया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। वर्ग बार बात करें तो एससी 13, एसटी 32 और ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 4% करने का बिल सदन में पारित हुआ है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सिर्फ टूल्स है, उनका खुद का कोई विवेक नहीं। जैसा जैसा मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री कहेंगे वैसा वैसा मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया करते हैं, वे क्षमा के योग्य है। सदन के अंदर जो घटना घटी उसके जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे हैं। जैसा रविंद्र चौबे जी कहेंगे माननीय मंत्री जी वैसा वैसा खड़े होंगे, वो क्षमा के योग्य आदमी। आज तो उसको मुख्यमंत्री जी ने उचकाया, आज जो घटना घटी सदन के अंदर वो सबके जिम्मेदारी यदि कोई है तो श्री भूपेश बघेल जी है और श्री रविंद्र चौबे जी है, दूसरा कोई नहीं। उनके कहने से क्या होता है, अभी तो मैं विधेयक पर भाषण देके आ रहा हूँ, विधेयक का समर्थन करके आ रहा हूँ, विधेयक पर जो संदेह है उसको बोल के आ रहा हूँ। अब आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए कि मेरे उठाए मुद्दों पर वो उत्तर देते हैं कि नहीं देते, कि मोहन मरकाम की तरह भाषण करेंगे हम दे रहे हैं करके, जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे, यह महत्वपूर्ण बात। राजस्थान के बीकानेर में होने वाले मानवता क्रांति के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन और कार्यशाला को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अवार्ड समारोह 2023 का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से 200 देशों के चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। सर ये है मानवता क्रांति के प्रथम राष्ट्रीय पे अधिवेशन एवं कार्यशाला है, ये राजस्थान के बीकानेर में होने वाले
आगामी 11 मार्च से 13 मार्च तक, जिसमें विश्व के 200 देश, राजस्थान के 343 तहसील और भारत के 780 जिलों में जितने भी समाज सेवी है, रक्तवीर है, रक्तदाता है, जो लोगों की मदद किए, उनको सभी को वहां पर आमंत्रित किया गया है और उन सभी का सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरक्षण हितेशी बने बैठे ढोंगियों की पहचान जरूरी है, जिनका आरक्षण अध्ययन दल जनजातीय आरक्षण में शीर्ष राज्यों की जानकारी जुटाता है, जहां जनजातीय आरक्षण ना के बराबर है। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे युवाओं के भविष्य को सिर्फ अपने हित के लिए ताक पर रखकर बैठे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।